गुड मॉर्निंग क्लास फोर दिस योर इंग्लिश मेरी गोल्ड यूनिट सेवन चैप्टर फोर्टीन द नेम ऑफ द चैप्टर इज द गिविंग ट्री स्टूडेंट्स दिस इज अ स्टोरी आई एम गोइंग टू रीड इट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू यू ऑल हैव टू रीड इट बाई योर सेल्फ एंड वॉच द वीडियो प्रॉपरली ओके सो लेट्स स्टार्ट हाउ डू यू फील वैन यू हेल्प सम वन यहाँ पे बोला गया है बच्चों आपको कैसा फील होता है मतलब कैसा महसूस होता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं हाउ डू यू फील वैन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं बांटते हैं रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स वैन इट हेल्प्स अ बॉय सो हम इस प्ले को रीड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक ट्री को फील होता है जब वो एक बॉय की हेल्प करता है ओके okay? स्टार्ट करते हैं नरेटर बच्चों नरेटर कौन होते हैं जो स्टोरी सुना रहे हैं को क्या कहते हैं वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय एक बार एक ट्री होता है और वो एक छोटे से लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करता है एवरीडे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी हर रोज वो छोटा बच्चा ट्री के पास आता है विजिट मतलब ट्री के पास मिलने आता है और ट्री के साथ रहकर खूब ज्यादा बहुत ज्यादा मजे करता है ट्री कम हियर माय बॉय तो ट्री उस लड़के को कहता है इधर आओ कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस सो ट्री कहता है आओ ये जो मेरा तना है इस पर चढ़ो और मेरी जो टहनियाँ हैं ब्रांचेज हैं टहनियाँ हैं इन पर झूलो ठीक है सो ट्रंक क्या होता है बच्चों पेड़ का तना किस तरीके का होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ और स्विंग मतलब झूलना ठीक है so, सो पेड़ कहता है आओ ये जो मेरा तना है इस पर चढ़ो और मेरी टहनियों पर झूला झूलो ठीक है सो तना किस तरीके का होता है बच्चों ये होता है पेड़ का ट्रंक ये देखो ठीक है सो इस तरीके का जो पेड़ का ट्रंक हो, ये तना होता है इस पर कहता था कि तुम चढ़ जाओ देखो आपको पिक्चर दिख रही है कि बच्चा तने पर चढ़ रहा है ठीक है आगे देखते हैं बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस आ फन सो जो लड़का था वो ब्रांचेस पर झूला झूलता है और कहता है आ फन कितना मजा आ रहा है ट्री आर यू हंग्री ईट माई apples. तो ट्री कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है जो एप्पल्स लगे हैं उन्हें खा लो बॉय ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस बॉय जो था वो पेड़ से एप्पल्स तोड़कर खाता है और कहता है कि वाओ कितने टेस्टी एप्पल्स हैं द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ड अंडर द ट्री और जब बॉय पूरा खेल खेलकर ब्रांचेस पर झूलकर जब थक जाता था टायर्ड मतलब थकना सो so, पेड़ की नीचे सो जाता था ठीक है द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इथ शेड तो जब बच्चा पेड़ के नीचे सोता था तो पेड़ की शेड मतलब जो ब्रांचेस होती थी जो लीव्स होते थे ठीक है उनसे जो नीचे छाया पड़ती थी उस पर वो नीचे उसके ऊपर छाया पड़ती थी और वो बहुत अच्छे से सोता था तो ट्री को बहुत अच्छा लगता था बट टाइम वेंट वाई तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया एंड द बॉय ग्री ओल्डर एंड वेंट अवे जो छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होता रहा और वहां से चला गया ट्री वॉज ऑफ अलोन ट्री अक्सर अकेला रहा करता था दू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी कुछ सालों बाद फिर वो लड़का वापस आता है ट्री के पास और ट्री उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ट्री कम माई बॉय कम एंड क्लाइम माई अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस सो ट्री लड़के को कहता है आओ इस मेरे तने पर चढ़ो और टहनियों पर झूला झुलो बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले सो जो बॉय होता है वो कहता है मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ ठीक है कि मैं पेड़ पर चढ़ूँ और तुम्हारे साथ खेलूँ आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन मुझे नई चीज़ें खरीद मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं और थोड़ा मज़े करने हैं ठीक है आई वॉन्ट सम मनी मुझे कुछ पैसे चाहिए कैन यू गिव मी सम मनी सो जो बच्चा होता है वो पेड़ को कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो आगे देखते हैं ट्री आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी सो ट्री कहता है सॉरी पर मेरे पास पैसे नहीं हैं आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स मेरे पास सिर्फ पतियाँ हैं और एप्पल्स सेब हैं यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दम इन द मार्केट सो ट्री कहता है तुम इन एप्पल्स को प्लक मतलब तोड़ सकते हो और मार्केट में जाकर बेच सकते हो देन यू विल हैव मनी और उनको बेच कर तुम्हारे पास फिर पैसे आ जाएंगे नेरेटर नेरेटर कहते हैं द बॉय हैप्पिली प्लगड द एपल्स एंड कैरीड अवे सो जो लड़का होता है वो खुशी खुशी एपल्स को तोड़ता है और कैरी मतलब अपने साथ लेकर चला जाता है द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी ट्री को भी बहुत अच्छा लगता है वो भी बहुत खुश होता है बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड फिर वह जो लड़का जाता है तो फिर कुछ टाइम तक आता ही नहीं है और ट्री भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है वन डे बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय तो एक दिन वो लड़का फिर वापस आता है और ट्री उसे देख बिल्कुल शुक मतलब क्या होता है बच्चों कांपना ठीक है सो so ऐसे कांपने लगता है उसे देख के खुशी में ठीक है कांपना या हिलना तो ऐसे हिलने लगता है ठीक ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक आओ और इस तर, मेरे तने पर चढ़ो स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस ईट माई एप्पल्स प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी सुपेड़ कहता है मेरी टहनियों पर झूलो जो सेब लगे हैं उन्हें खाओ और मेरी जो छाया है उस पर खेलो ठीक है नीचे उसके नीचे खेलो और खुश रहो बॉय कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पेड़ पर चढ़ूँ आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन तो बॉय कहता है मेरी शादी हो रही है एंड आई आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ मुझे घर चाहिए अपनी वाइफ पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कैन यू गिव मी अ हाउस सो फिर बॉय पैर से पूछता है क्या तुम तो मुझे घर दे सकते हो ट्री आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस सो ट्री कहता है मेरे पास कोई घर नहीं है बट जो मेरी ये ब्रांचेज हैं टहनियाँ हैं तुम इन्हें काट कर ले जा सकते हो और घर बना सकते हो आगे देखते हैं नरेटर कहते हैं सो द बॉय बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरी दम अवे टू बिल्ड अ हाउस सो जो लड़का होता है वो पेड़ की टहनिया काटता है और उन्हें लेकर जाता है और घर बनाता है द ट्री वॉज वेरी हैप्पी ट्री बहुत ज्यादा खुश हो, होता है बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन फिर क्या होता है वो जो लड़का जाता है तो कुछ टाइम तक आता ही नहीं है फिर से ट्री जो होता है वो सैड हो जाता है उदास हो जाता है एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक अब फिर कुछ सालों बाद ट्री के पास वापस वो लड़का आता है और ट्री उसे देख के इतना खुश होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन अब जो लड़का वापस आता है वो एक यंग मैन आदमी बन जाता है ट्री कम बॉय कम वट कैन आई डू फॉर यू सो ट्री अभी भी कहता है लड़के को कहता है आओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ यंग मैन आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप सो जो आदमी होता है अब वो आदमी बन जाता है जो बच्चा होता है ठीक है सो वो कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ मतलब अपने काम की यात्रा पर जा रहा हूँ आई वॉन्ट बोट टू टेक मी अवे मुझे एक बोट चाहिए ठीक है जिसपे बैठ कर मैं यात्रा पर जाऊं कैन यू गिव मी अ बोट फिर वो पेड़ से क्वेश्चन पूछता है क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो ट्री ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक ट्री कहता है अब मेरे पास सिर्फ एक मेरी ट्रंक बची है मतलब मेरा तना बचा है कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट इस तने को तुम काट लो और एक बोट बना लेना ठीक है देन यू कैन सेल अवे और उस फिर जो बोट बनेगी तुम उस पर बैठ के फिर अपनी यात्रा पे जा सकते हो नैरेटर द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट सो जो आदमी होता है वो क्या करता है पेड़ का तना जो है उसे काट देता है और बोट बनाता है सेल्ड अवे इन अ बोट सो so, जो बोर्ड बनती है फिर उसमें चला जाता है द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विदम्प अब ट्री के पास सिर्फ क्या बचा होता है एक स्टम्प स्टम्प मतलब टुकड़ा ठीक है आगे देखते हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन फिर कुछ सालों बाद वो यंग मैन वापस आता है नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकोगनाइज हिम अब बच्चों गया तो वो यंग मैन बन के था पर वापस कैसे आया ओल्ड मैन बन के अब वो बूढ़ा हो जाता है ठीक है क्योंकि टाइम बीतता जाता है तो अब वो आदमी वो जो पहले छोटा बच्चा था फिर यंग मैन बना फिर अब वो बूढ़ा आदमी बन के आता है ठीक है पर जैसे ही वो बूढ़ा बन के भी आता है तो ट्री उसे रिकोग्नाइज मतलब पहचान लेता है ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू तो ट्री अब कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है माई एप्पल्स आर गॉन जो मुझ पर सेब लगते थे वो चले गए हैं वो अब नहीं आएंगे ओल्ड मैन माई ट्री माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है अब मेरे दांत ऐपल खाने लायक ही नहीं बचे हैं बहुत ज़्यादा वीक कमज़ोर हैं ठीक है ट्री माई ब्रांच आर गॉन मेरी जो थी वो चली गई हैं यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम तो कहता है तुम उनमें झूल नहीं सकते ओल्ड मैन आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस सो कहता है ओल्ड मैन की अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं ब्रांचेस पर झूला झूलूँ ट्री माई ट्रंक इज़ गॉन यू कैन नॉट क्लाइम तो ट्री कहता है जो मेरा ट्रंक था तना था वो भी चला गया तुम तो उस पर चढ़ भी नहीं पाओगे ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम मैं थक चुका हूँ कि मैं क्लाइम करूँ ठीक है ट्री शाइनिंग आई एम सॉरी तो ट्री थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ दूं पर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प आई एम सॉरी कहता है अब मैं एक बूढ़ा स्टम्प टुकड़ा हूँ आई एम वेरी सॉरी सो बच्चों आपको स्टम्प यहाँ पर दिखेगा पिक्चर में ओके okay? सो so ये होता है स्टम्प जो लास्ट में पेड़ का निचला हिस्सा होता है उसे हम स्टम्प कहते हैं ओके okay? ओल्ड मैन क्या कहता है देखते हैं डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन सो ओल्ड मैन ट्री को कहता है डियर ट्री तुमने हमेशा ही दिया है बट नाउ आई डोंट नीड मच जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बस एक क्वाइट प्लेस मतलब शांत जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ ट्री हैप्पीली सो ट्री बहुत खुशी से कहता है वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन तो कहता है कि ओ ऐसी बात है तो अब ये जो स्टंप जो बचा है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है बैठने के लिए और आराम करने के लिए कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट तो कहता है आओ मित्र बैठो और आराम करो नरेटर द ओल्ड मैन डिड सो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस पर जाकर बैठ जाता है एंड द ट्री वो स्टिल हैप्पी और ट्री जो होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये आपकी स्टोरी थी और स्टोरी में बच्चों हमने क्या सीखा कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ओके तो देखो इसमें ये भी पता चला कि किस तरीके से पेड़ ने जब जब बॉय की हेल्प करी फिर यंग मैन की हेल्प करी और फिर ओल्ड मैन की हेल्प करी तो उसे कैसा कैसा फील होता था हमेशा वो हैप्पी ही रहता था ओके सो तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ओके सो तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे बच्चों अच्छे से समझेंगे ओके और इस वीडियो को पूरा देखेंगे थैंक यू